Hello students, very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Savil classes and I hope you all are doing great. So, aaj hum start karne ja rahe hain hamara lecture number 18 hamare second series ka English Master Cadre ke MCQs ka and the writers today are going to be Virginia Woolf and Joseph Conrad. So, I hope आप लोग सब बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होंगे आज के हमारे इन राइटर्स के साथ. तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज. बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन सीरीज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर नियर एंड डियर वंस जो इंग्लिश मास्टर केडर की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बट ये आदत बनी हुई है मोहित, आदत बनी हुई है अब, है ना. चलिए ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद आर क्वेश्चन फॉर टूडे. मॉडर्न एज इज एन एज ऑफ पेसिमिज्म एंड सिनिसिज्म, कंफ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज, सब्जेक्टिविटी, all of the above. Oh, that's a very big compliment, Mohit. That's a very big compliment. Hanji, so modern age is an age of pessimism and cynicism, conflicts and controversies, subjectivity, yeah, all of the above. Modern age ke agar hum features ki baat kare to क्या चीजें आ जाएंगी. यस, इट इज ऑल ऑफ द अबव. पेसिमिज्म भी थी, सिनिसिज्म, सिनिसिज्म का मतलब कुछ सनकीपन भी था, कंफ्लिक्ट्स बहुत थे, कंट्रोवर्सीज थी और सब्जेक्टिविटी. ठीक है, राइटर्स लोग अपने बारे में ज्यादा लिख रहे थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, हु कॉइंड द वर्ड थिएटर ऑफ द अब्सर्ड. थिएटर ऑफ द अब्सर्ड टर्म किसने कॉइन करी थी, एल्बर्ट कामू, फ्रांस काफ्का, मार्टिन एस्लिन या रॉबर्ट एस्लिन. हाँ जी, ये टर्म थिएटर ऑफ द अब्सर्ड किसने कॉइन करी थी. तो द टर्म थिएटर ऑफ द अब्सर्ड जो मॉडर्न एज की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इट वॉज कॉइंड बाय मार्टिन एस्लिन. बिल्कुल सही, इसको कॉइन करा था मार्टिन एस्लिन ने. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर थ्री, अकॉर्डिंग टू वुल्फ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ नॉवल इज टू डैश व्हाट वी हैव रेड. वर्जीनिया वुल्फ का कहना था कि एक नॉवल को अच्छे से समझना है तो वी हैव टू डैश व्हाट वी हैव रेड. क्रिटिसाइज, कंपेयर, राइट या एनालाइज. According to Virginia Woolf, a novel, the best way to understand a novel is to dash what we have read. Yes, absolutely right. We have to analyze, right? We have to analyze. चलिए आगे चलते हैं. Question number four, the literary style of Virginia Woolf's novel To the Lighthouse is best described in which of the following ways? As an omniscient narrative of love and loss, as a third person narrative of the Great Depression, as a domestic stream of consciousness narrative. हाँ जी, To the Lighthouse के literary style को अगर हमने describe करना हो तो कैसे describe करेंगे? As an omniscient narrative of love and loss, as a third person narrative of the Great Depression, as a domestic stream of consciousness. So, it is, yes, it is a domestic stream of consciousness narrative, right? फैमिली की स्टोरी है. ठीक है, डोमेस्टिक क्यों, फैमिली की स्टोरी है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी है. ठीक है, फैमिली की स्टोरी है, राइट, एंड इट इज
a consciousness narrative. All right, चलिए question number 5. What is imagism? हाँ जी, imagism को हम कैसे समझते हैं? A poetic movement which hoped to offer clear expression of ideas and feelings through the use of specific visual images and an attempt to use the exact word instead of flowery, excessive, descriptive language in poetry. A and B only या B and C only? हाँ जी, अगर हम imagism को, जिस movement को Ezra Pound ने start करा था, अपनी magazine भी इन्होंने चलाई थी, दस images, हाँ जी, तो कैसे define करेंगे हम imagism को? So how we will define imagism? Yes, actually it is both. ठीक है, visual images की बात तो है ही है. Exact word instead of flowery, excessive, descriptive language. ठीक है, exact words. पर वो exact words ऐसे जो हमारे mind में एक picture create करे. ठीक है, exact words ऐसे जो हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट करे. सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द पोएम ऑफ टीएस एलियट एंड्स विद द लाइंस दत्ता दया धम दम्यता शांति शांति शांति? टीएस एलियट की कौन सी पोएम इन लाइंस के साथ एंड होती है? टेस, अ टेल ऑफ द टू सिटीज, द वेस्टलैंड या मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? हां जी, टीएस एलियट की कौन सी पोयम इन लाइंस के साथ एंड होती है? यस, ऑफ कोर्स इट इज नन अदर देन द वेस्टलैंड. टीएस एलियट की सबसे मेजर पोयम द वेस्टलैंड. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. वर्जीनिया वुल्फ वाज द डॉटर ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक, हु इज ही? वर्जीनिया वुल्फ किसकी डॉटर थी? मारिया पाउंड, लेस्ली स्टीफन, आर्नल्ड या एज़रा पाउंड, जो कि खुद भी एक क्रिटिक थे. ठीक है, मारिया सॉरी वर्जीनिया वुल्फ के फादर भी एक क्रिटिक थे. मारिया पाउंड, लेस्ली स्टीफन, आर्नल्ड या एज़रा पाउंड? यस, बिल्कुल सही जवाब, इट वाज लेस्ली स्टीफन. राइट, एज़रा वर्जीनिया वुल्फ के फादर का नाम था लेस्ली स्टीफन. आगे चलते हैं, जोसेफ कॉनराड्स नॉवेल्स आर जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ? जोसेफ कॉनराड के नॉवेल ज्यादातर सेटिंग उनकी क्या होती है? द प्लेग्राउंड, द सी, द मून, द लैंडस्केप. हां जी, तो जोसेफ कॉनराड के नॉवेल्स बेसिकली उनकी सेटिंग क्या होती है? अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज सी. ठीक है, चाहे हम हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात कर ले, नॉस्ट्रोमो की बात कर ले, लॉर्ड जिम है, तो देयर सेटिंग इज ए सी. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. विद विच इनॉर्मसली इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस इज द अर्ली 20th सेंचुरी थिंकर सिगमंड फ्रॉयड एसोसिएटेड? सिगमंड फ्रॉयड किस पर्सपेक्टिव या किस थियोरी के साथ एसोसिएटेड है? साइकोनालिसिस, साइकोलॉजी, साइकोसिस या नन ऑफ दीज? हां जी, सो सिगमंड फ्रॉयड किस थियोरी के साथ एसोसिएटेड है? साइकोएनालिसिस. जी, इट इज नॉट साइकोलॉजी, इट इज साइकोएनालिसिस. साइकोएनालिसिस की थियोरी दी थी इन्होंने. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. मॉडर्निस्ट थीम्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. मॉडर्निस्ट थीम्स में क्या बेसिकली आ जाता है? लॉस ऑफ सेंस, मतलब ऑड वन आउट. ठीक है, इनमें से कौन सी थीम मॉडर्निस्ट थीम नहीं है? लॉस ऑफ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशन एंड कंजर्वेशन या रिलीजियस डिवोशन? हां जी, मॉडर्निस्ट थीम्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट विच इज द ऑड वन आउट. यस, रिलीजियस थीम्स का कुछ भी लेना देना नहीं था. ठीक है जी, रिलीजियस थीम्स का कुछ भी लेना देना नहीं था. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11. इन विच नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ सिक्स सोलिलोक्वीज आर सेपरेटेड इनटू 9 अननंबर्ड चैप्टर्स बाय अ सीरीज ऑफ इंटरल्यूड्स?
वर्जीनिया वुल्फ के कौन से नॉवल में वी हैव सिक्स सोलिलोक्वीज टू बी रेड, द इयर्स, द वेव्स, मिसेस डैलोवे या नाइट एंड डे? सेवेंथ जो कैरेक्टर है वो क्वाइट रहता है, ही डजंट स्पीक. यस, सो दैट नॉवल इज द वेव्स. एब्सोल्यूटली करेक्ट, दैट नॉवल इज द वेव्स. ठीक है जी, वेव्स नॉवल है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Heart of Darkness was one of the first novels to provide a critical view of African culture, military life, international travel या European imperialism. Heart of Darkness में किस चीज का critical view दिखाया है? African culture, military life, इंटरनेशनल ट्रेवल या? यस वीरपाल, योर आंसर इज बिल्कुल राइट. बच्चे सिमरन इज राइट. बच्चे क्रिटिकल व्यू है यूरोपियन इंपीरियलिज्म का. वेरी गुड मंदीप. ठीक है, उन्होंने क्रिटिकल व्यू दिया है यूरोपियन इंपीरियलिज्म का, कि जो यूरोपियन रूलर्स थे वो दिखा तो ये रहे थे कि हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जैसे इंडिया को किया था. ठीक है, जैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया था वैसे ही अफ्रीका के कल्चर को एक्सप्लॉइट किया था. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ दीज इज नॉट अ थीम फ्रॉम हार्ट ऑफ डार्कनेस? इनमें से हार्ट ऑफ डार्कनेस की थीम कौन सी नहीं है? द हिपोक्रेसी ऑफ इंपीरियलिज्म, मैडनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंपीरियलिज्म, The absurdity of evil या the lunacy of freedom? हाँ जी, which of these is not a theme from Heart of Darkness? The hypocrisy of imperialism, madness resulting from imperialism, the absurdity of evil या the lunacy of freedom? Yes, absolutely correct. So the odd one out is the lunacy of freedom, पागलपन. ठीक है, freedom थी ही नहीं, फ्रीडम थी ही नहीं, तो फ्रीडम से जुड़ा हुआ पागलपन कहां से होगा? ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 14. व्हेन वाज एल्मियर्स फॉली बाय जोसेफ कॉनरेड पब्लिश्ड? जोसेफ कॉनरेड का एल्मियर्स फॉली कब पब्लिश हुआ था? 1886, 1895, 1904 या 1900? एल्मियर्स फॉली कब पब्लिश हुआ था? 1886, 1895, 1904 या 1900? यस, तो ये पब्लिश हुआ था 1895 में. वेरी राइट, ये पब्लिश हुआ था 1895 में. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. विच नॉवल ऑफ जोसेफ कॉनरेड इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? जोसेफ कॉनरेड का मास्टरपीस कौन सा नॉवल है? द सीक्रेट एजेंट, अंडर द वेस्टर्न आई, नोस्ट्रोमो या द हार्ट ऑफ डार्कनेस? हाँ जी, विच नॉवल ऑफ जोसेफ कॉनरेड इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? द सीक्रेट एजेंट, अंडर द वेस्टर्न आई, नोस्ट्रोमो या द हार्ट ऑफ डार्कनेस? यस, इट इज नोस्ट्रोमो. एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट इज नोस्ट्रोमो. जिन्होंने नोस्ट्रोमो आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, नोस्ट्रोमो इज द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 16. What is the title of the poem that Orlando continually works to write? Virginia Woolf के novel Orlando में Orlando कौन सी poem लिखता है? Hercules, the oak tree, the pine tree या hermaphrodite? Orlando poem में Orlando कौन सी poem लिखता है? Yes, it is the oak tree. बिल्कुल सही, very very right. It is the oak tree. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. हु रोट द नॉवल वेनेसा एंड वर्जीनिया बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एंड हर सिस्टर वेनेसा? वेनेसा एंड वर्जीनिया नॉवल किसने लिखा था? हेलन केलर, सूजन सेलर, सूजन स्टेलर या हेलन स्टेलर?
Yes, absolutely right. Susan Seller. Very right. Susan Seller. ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18. हु इज द राइटर ऑफ द एसे मिथ ऑफ सिसिफस, जिसमें इन्होंने एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियोरी की बात करी थी, है ना? एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियोरी मॉडर्न एज की बड़ी इंपॉर्टेंट थियोरी. हाँ जी, तो मिथ ऑफ सिसिफस किसने लिखा था? सुरेन कर्केगार्ड, सैमुअल बेकेट, अल्बर्ट कामू या यूजीन आइनेस्को? कुछ बच्चे दूसरों के देखा देखी बस आंसर करते रहते हैं, है ना? मिथ ऑफ सिसिफस वाज रिटन बाय अल्बर्ट कामू. ठीक है जी, मिथ ऑफ सिसिफस ऐसे लिखा था अल्बर्ट कामू ने, जिसमें उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिस्ट थियोरी की बात करी थी. सुरेन कर्केगार्ड ने एग्जिस्टेंशियलिज्म की थियोरी कॉइन करी थी, स्टार्ट करी थी. ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो थियोरी है वो सुरेन कर्केगार्ड ने दी थी, राइट? क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी टेल्स आर देयर इन द कलेक्शन टाइफून एंड अदर स्टोरीज बाय जोसेफ कॉनराड? जोसेफ कॉनराड के टाइफून एंड द अदर स्टोरीज में टोटल कितनी स्टोरीज आ जाती हैं? 7, 6, 5 या 8? कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, यू विल बी एबल टू डू इट, डोंट वरी. सो यस, देयर आर टोटल 7 स्टोरीज. वेरी गुड, देयर आर टोटल 7 स्टोरीज इन टाइफून एंड अदर स्टोरीज बाय जोसेफ कॉनराड. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 20. मंडे और ट्यूजडे इज अ डैश रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया वुल्फ के मंडे और ट्यूजडे का क्या यानर है? ऐसे, नॉवल, ड्रामा या शॉर्ट स्टोरी? What is the yarner of Monday or Tuesday by Virginia Woolf? Essay, novel, drama या short story? Yes, absolutely right. It is a short story. Right, Monday or Tuesday is a short story by Virginia Woolf. Very right. Question number 21. Which of these is a psychological novel written by Conrad, whose story is inspired from Shakespeare's The Tempest? हाँ जी, कॉनराड का कौन सा नॉवल शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट की स्टोरी पे बेस्ड है? यूथ, विक्ट्री, द रेस्क्यू या शैडो लाइन? स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द टेम्पेस्ट एंड कैरेक्टर इसका है हेस्ट, इज सिमिलर टू हैमलेट. ठीक है, कैरेक्टर इसका है हेस्ट. That is similar to Hamlet. Yes, it is victory. Absolutely correct. It is victory. चलिए आगे चलते हैं. Question number 22. Which is Elizabeth? Who is Elizabeth Dalloway's teacher in Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway की बेटी की teacher कौन होती है novel में? Miss Mary, Miss Kilman, Miss Kelvin या Miss Karen? Who is Elizabeth Dalloway's teacher in the novel Mrs. Dalloway? Yes, it is Miss Kilman. Very right. It's Miss Kilman. Absolutely correct. आगे चलते हैं. Question number 23. According to the first line of T.S. Eliot's poem The Wasteland, which is the cruelest month? T.S. Eliot Wasteland में किसको cruelest month कहता है? February, April, October या December? The cruelest month according to T.S. Eliot's Wasteland is? Yes, it is April. The month of April. है ना, जबकि हमने Spencer के Shepherd's Calendar में पढ़ा वो April को बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल मंथ कहता है. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. विच इज द लास्ट कंप्लीटेड नॉवल ऑफ जोसेफ कॉनराड? जोसेफ कॉनराड का लास्ट कंप्लीट नॉवल कौन सा था? द रोवर, द रेस्क्यू, द एरो ऑफ गोल्ड या द विक्ट्री? Which is the last completed novel of
Joseph Conrad. Yes, it is the rover. Very right. It is the rover. आगे चलते हैं. Question number 25. How many pilgrims are taken to? अमन नहीं कीता हजे. बच्चे अगेन उथे भी मैनू फिर इस चीज का वो हुंदा ना कि I can't move to another city, leaving my family behind. That is difficult. चलो जी. How many pilgrims are being taken to Mecca in the ship Patna in Lord Jim? 8. ये actually 100 यहाँ पे कर लो. ठीक है. 800, 900, 100 या 700. कितने pilgrims ले जाए जा रहे होते हैं? Yes. So total are 800. जी. Total are 800. All right. Question number 26. With which writer did Joseph Conrad collaborate for some novels? Joseph Conrad ने किस novelist के साथ मिलके और कुछ novels लिखे थे? Frederick Maddox, Ford Madox Ford, James Joyce या T.S. Eliot? With which writer did Joseph Conrad collaborate for some novels? Yes, it is Ford Madox Ford. Very right. Ford Madox Ford. चलिए आगे चलते हैं. Question number 27. A Tale of the Sea is the subtitle of Nostromo, Elmer's Folly. I know, Dimple, मेरा भी ध्यान है उधर. मेरा भी ध्यान है उधर. But don't worry, India is going to win. हाँ जी. A Tale of the Sea is the subtitle of Nostromo, Elmer's Folly, Lord Jim या The Nigger of the Narcissus? गड़बड़ कर दी. फिर वो ये काम करते हो ना सबके पीछे पीछे लग के. इज द निगर ऑफ द नार्सिसस. नोस्ट्रोमो का है अ टेल ऑफ द सी बोर्ड. इट इज द टेल ऑफ द सी बोर्ड. के जी ए टेल ऑफ द सी बोर्ड. चलिए क्वेश्चन नंबर 28. एक और सब टाइटल है इसका बच्चे. अ टेल ऑफ द फोर कासल. ठीक है जी. ए टेल ऑफ द फोर कासल भी इसका सब टाइटल है. निगर ऑफ द नार्सिसस का. ठीक है. निगर ऑफ द नार्सिसस का. चलिए क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑथर राइट्स अ प्रोफाउंड क्रिटिसिज्म ऑफ जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, accusing Conrad of reinforcing typical European stereotypes of Africa? कौन सी राइटर जोसेफ कॉनरेड के हार्ट ऑफ डार्कनेस को अक्यूज करती है, क्रिटिसाइज करती है, ये कहते हुए कि उसने अफ्रीका को स्टीरियोटाइप कर दिया कि जैसे बाकी सारे लोग अफ्रीका को डिपिक्ट करते हैं वैसे ही उसने करा है. Yes, absolutely right. It is none other than Chinua HB. It's Chinua HB. चलिए आगे चलते हैं. Question number 29. Who is a painter in the work To the Lighthouse? To the Lighthouse, Virginia Woolf के नॉवल में कौन पेंटर होती है जो मिसेस रामसे की फोटो बनाती है उनके सबसे छोटे बेटे के साथ. मिसेस रामसे की फोटो बनाती है. It's Minta Doyle, it's Lily Briscoe, it's Andrew Doyle या it's Minty Doyle. पेंटर कौन होती है टू द लाइट हाउस में? यस, इट इज लिली ब्रिस्को. वेरी राइट. इट्स लिली ब्रिस्को. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 30. इन विच एरा वर्जीनिया वुल्फ्स ऑरलैंडो इज सेट? तकरीबन तकरीबन 300 साल का पीरियड कवर करता है ये नॉवल, है ना. आपने पढ़ा होगा कि ऑरलैंडो जो है उस कैसे मैन से वो वुमेन बन जाता है और फिर वो कितनी सदियां जीता है. इट्स एलिजाबेथन टू रेस्टोरेशन एरा, जिकोबियन टू रेस्टोरेशन एरा, एलिजाबेथन टू जिकोबियन एरा या एलिजाबेथन टू विक्टोरियन एरा. तकरीबन तकरीबन 300 सालों का पीरियड कवर करता है ये नॉवल. वेरी गुड जेफी. वेरी गुड. इट इज फ्रॉम एलिजाबेथन टू विक्टोरियन.
ठीक है जी, वेरी गुड जेफी, सुमन, सिमरन, मोहित, डिंपल, आशमा, इट्स एलिजाबेथन टू विक्टोरियन। एलिजाबेथन के कोर्ट में तो वो सर्व भी करता है, ठीक है, ही वर्क्स। एलिजाबेथन के कोर्ट में तो एलिजाबेथ का फेवरेट होता है वो, एलिजाबेथ बहुत पसंद करती होती है उसको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अ रूम ऑफ वन्स ओन वाज कंपाइल्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स वर्जीनिया वुल्फ गेव एट व्हाट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। अ रूम ऑफ वन्स ओन के लेक्चर्स कौन सी यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए थे वर्जीनिया वुल्फ ने? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या ऑक्सफोर्ड? हाँ जी, ए रूम ऑफ वन्स ओन के लेक्चर्स कहाँ डिलीवर किए थे वर्जीनिया वुल्फ ने? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ, यस, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, राइट, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कंप्लीट द एपिटाफ, बीनीथ दिस ट्री आर बरिड द एशेस ऑफ टीएस एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, हार्डी या डिकेंस? ये किसका एपिटाफ है? बीनीथ दिस ट्री आर बरिड द एशेस ऑफ टीएस एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, हार्डी या डिकेंस? तो यस, इट इज राइट, वर्जीनिया वुल्फ, एब्सोल्युटली राइट, इट इज वर्जीनिया वुल्फ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इन विच ईयर टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ गॉट पब्लिश्ड? वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस कब पब्लिश हुआ था? 1925, 1926, 1928 या 1927? In which year To the Lighthouse by Virginia Woolf got published? Yes, it got published in 1927. Very right, it got published in 1927. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। When was Virginia Woolf's first novel Voyage Out published? Virginia Woolf का first novel The Voyage Out कब publish हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1920 में या 1925 में? Virginia Woolf का first novel Voyage Out कब publish हुआ था? Yes, so it got published in 1915. Absolutely correct, it got published in 1915. Question number 35. Fearing the onset of a mental breakdown, Virginia Woolf ultimately drowned herself in which river? Repeated question again. पिछले कल के टेस्ट में भी I think था हमारे, तो किस रिवर में छलांग लगा दी थी Virginia Woolf ने? Thames में, River Ouse में, The East Lynne River या The River Tyne? Yes, it was the River Ouse. Absolutely correct, it was the River Ouse. Question number 36. To whom did T.S. Eliot dedicate his Proofrock and other observations? T.S. Eliot ने Proofrock and other observations किसको dedicate करी थी? Jean Verdinal, F.R. Leaves, Ezra Pound या W.B. Yeats? Yes, it was Jean Verdinal. पहले भी आप डिस्कस कर चुके, it was Jean Verdinal. चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इन विच वर्स फॉर्म इज T.S. Eliot's The Wasteland written? T.S. Eliot का Wasteland किस वर्स फॉर्म में लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्स, स्ट्रंग रिदम, प्रोज वर्स या फ्री वर्स? T.S. Eliot का Wasteland किस फॉर्म में लिखा हुआ है? यस, इट इज बोथ फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स, ठीक है, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स दोनों, ठीक है जी, ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स दोनों, राइट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट डिड लियोनार्ड एंड वर्जीनिया नेम देयर पब्लिशिंग कंपनी? वर्जीनिया वुल्फ और लियोनार्ड वुल्फ ने अपनी पब्लिशिंग कंपनी का क्या नाम रखा था? होगार्थ प्रेस, हैम्पटन प्रेस,
Ferrer, Strauss and Giroux या Harcourt Brace? Yes, it was Hogarth Press. Absolutely correct, it was Hogarth Press. Question number 39. What was a literary technique used by modern writers, especially Virginia Woolf and James Joyce? Virginia Woolf or James Joyce ne basically kaun si literary techniques use kari thi? Stream of consciousness, due ex machina, magic realism ya French romanticism? So again, it is also a very very easy question. It is stream of consciousness technique. Ji, it's stream of consciousness technique. Chaliye, question number 40. Virginia's light novel Flush purports to be the biography of what famous British poet's dog? Flush kis ki biography thi? Robert Browning ke dog ki, Lord Byron ke, Elizabeth Barrett Browning ke, ya William Blake ke? हाँ जी, सो किसकी लाइफ पे थी, किसकी बायोग्राफी थी? यस, इट वॉज डॉग ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. ठीक है जी. विच ऑफ वर्जीनियाज रिलेटिव्स बिकेम हर मोस्ट फेमस बायोग्राफर? वर्जीनिया वुल्फ का सबसे फेमस बायोग्राफर कौन था? क्वेंटिन बेल, जूलियन बेल, वनेसा बेल या क्लाइव बेल? विच ऑफ वर्जीनियाज रिलेटिव्स बिकेम हर मोस्ट फेमस बायोग्राफर? Yes, it was Quentin Bell. Right, it was Quentin Bell. Question number 42. Who is the audience for the central story of Heart of Darkness? Heart of Darkness ke main audience kaun the? Pilgrims, cannibals, Kurds ya men aboard the Nelly? Heart of Darkness mein Marlowe ye sari kahani kise suna raha tha? Marlowe ye sari kahani kise suna raha tha? So yes, he was telling this whole story to men aboard the Nelly. Right, it was men aboard the Nelly. Bilkul sahi. Aage chalte hain. Question number 43. What archetype does Kurtz resemble? Kurtz kis archetypal figure? Ye kis symbolic figure ke saath resemble karta hai? Evil genius, lost hero, unhinged villain ya immoral leader? अगर हम एक सिंबल की बात करें तो कर्ट्स किसको रिजेंबल करता है? इविल जीनियस, लॉस्ट हीरो, अनहिंज्ड विलन या इमोरल लीडर? सो यस, ही रिजेंबल्स अनहिंज्ड विलन, सॉरी, ही रिजेंबल्स इविल जीनियस. प्लान्स बहुत बड़े बड़े थे बट वो इविल थे. ठीक है, प्लान्स बहुत बड़े बड़े थे बट वो इविल थे. ठीक है जी. चलिए, क्वेश्चन नंबर 44. Which novel of Joseph Conrad is considered to be his masterpiece? Joseph Conrad ka masterpiece kise mana jata hai? Dubara repeat ho gaya. It is none other than Nostromo. Right ji? It is none other than Nostromo. Chaliye aage chalte hain. And the last question for today. The most lyrical of Virginia Woolf's works is? Virginia Woolf ka sabse lyrical novel kaun sa mana jata hai? The Waves, Orlando, Between the Acts या Jacob's Room? The most lyrical of Virginia Woolf's works is? Yes, it is The Waves. Absolutely correct, it is The Waves. ठीक है जी. चलिए बच्चे, अब कल के लिए आप अगले राइटर्स, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको राइटर्स बताती हूँ कि कल के लिए आप कौन से राइटर्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कई बार मैं भी भूल जाती हूँ. यस, इट विल बी जेम्स जोइस, जेम्स जोइस, ईएम फॉस्टर, ठीक है जी. और साथ में देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के क्वेश्चंस होंगे. ऑलराइट, तो ये टॉपिक्स आप कल के लिए प्रिपेयर कीजिए. बच्चे, ये जेम्स जोइस का तो कुछ भी नहीं है, जेम्स जोइस का तो नाम मात्र सा काम है, सो यू विल बी एबल टू डू इट इजिली. ऑलराइट, चलिए मिलेंगे फिर कल सेम टाइम पे. थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे, विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ्स.